फूल वाला पौधा हो या फिर फल देने वाला पौधा हो या फिर कोई भी पौधा हो, जब हम लगाते तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। जब हमारे पौधे पर फल या फूल नहीं आते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा निराश होना पड़ता है। तो आपको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में जिससे आपका भी टमाटर का पौधा फलों और फूलों से भरा रहेगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव गार्डन टिप्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, हमारे इस टमाटर के पौधे पर काफ़ी ढेर सारे फल आए हुए हैं। यदि दोस्तों इसी प्रकार से इस टमाटर के पौधे पर फल आते रहे तो शायद फलों की अनगिनत संख्या हो जाएगी। और दोस्तों इस एक ही गुच्छे में से 4 से 5 फल आए हुए हैं जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। और इस टमाटर के पौधे पर अभी भी इस टाइम 1 केजी से 2 केजी तक फल आए हुए हैं। यदि दोस्तों इसी प्रकार से इस टमाटर के पौधे पर फल आते रहे तो हमें कभी भी बाज़ार से टमाटर खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और इस टमाटर के पौधे की जो ग्रोथ है वह काफ़ी फास्ट तरीके से चल रही है। और इस ग्रोथ के साथ साथ लीफ्स यानी पत्तियां निकल रही हैं, उन्हीं के साथ साथ छोटे छोटे फलों का भी निकलना स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं टमाटर के पौधे की केयर के बारे में। टमाटर के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे टमाटर का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे? तो सबसे पहले दोस्तों, आप अपने टमाटर के पौधे की 10 से 15 दिन के बाद गुड़ाई ज़रूर कर देनी चाहिए। गुड़ाई करने से होता क्या है कि जो आपके टमाटर के पौधे की रूट्स हैं वह चारों तरफ फैलने लगती हैं और आपका टमाटर का पौधा धीरे धीरे करके ग्रो करने लगता है। और ग्रो करने के साथ साथ आपके टमाटर के पौधे पर छोटे छोटे फलों का आना शुरू होने लगता है। और गुड़ाई करने के साथ साथ आप अपने टमाटर के पौधे में वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद यूज कर देना। यदि आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद भी यूज कर सकते हैं। और इस गोबर की खाद के साथ साथ आप अपने टमाटर के पौधे में पानी भी यूज कर देना है। पानी आपको उतना ही यूज करना है जिससे आपके टमाटर के पौधे की जो सॉइल है उसमें नमी बनी रहे। यदि दोस्तों आप अपने टमाटर के पौधे में सर्दियों के मौसम में ज़्यादा पानी यूज कर देते हैं तो आपके टमाटर के पौधे पर फंगस लगने के चांस बढ़ जाएंगे और आपके टमाटर के पौधे पर जो फल आएंगे वह सड़कर झड़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं टमाटर के पौधे की रूट्सों की ओर। तो चलिए जल्दी से मैं इस टमाटर के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस टमाटर के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर दिया है। तो गुड़ाई करते समय आपको एक चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, आप अपने टमाटर के पौधे की दूर दूर तक गुड़ाई कर देनी है और आप अपने टमाटर के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आप अपने टमाटर के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई कर देते हैं तो आपके टमाटर के पौधे की जो रूट्स हैं वह कट सकती हैं और आपका टमाटर का पौधा धीरे धीरे करके सूख सकता है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस टमाटर के पौधे की गुड़ाई कर करके पूरी तरीके से रेडी कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं टमाटर के पौधे के फर्टिलाइज़र के बारे में। टमाटर के पौधे के लिए फर्टिलाइज़र किस प्रकार से बनाना है? तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर एक खाली बर्तन लिया हुआ है। इस खाली बर्तन के साथ साथ घरों में साधारण सी चीज़ यूज होने वाली जिसे हम नमक बोलते हैं, तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक लिया हुआ है। इस 1 चम्मच नमक को इस खाली बर्तन में डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस खाली बर्तन में इस 1 चम्मच नमक को डाल करके भी तैयार कर दिया है। और इसी के साथ साथ दूसरी चीज़ ली है उसे भी मैं बता देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर DAP ली है। DAP को भी मैंने यहाँ पर 1 चम्मच ली हुई है। तो चलिए दोस्तों, इस DAP को भी इस खाली बर्तन में डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस DAP को भी इस 1 चम्मच को इस खाली बर्तन में डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं इन दोनों चीज़ों में 1 लीटर पानी भी डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों में 1 लीटर पानी भी डाल करके भी तैयार कर दिया है। और चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं इस 1 लीटर पानी में इन दोनों चीज़ों को घोल करके भी तैयार कर देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहां पर इन दोनों चीज़ों को इस 1 लीटर पानी में चम्मच की सहायता से घोलना शुरू कर दिया है।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को 2 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद घोल करके भी तैयार कर दिया है और जो मेरा फर्टिलाइजर है वह पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से मैं इस टमाटर के पौधे में डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर इस टमाटर के पौधे की जो दूर दूर तक गुड़ाई की थी इसमें इस फर्टिलाइजर को डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो दोस्तों आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका भी टमाटर का पौधा इसी प्रकार से फलों और फूलों से भरा रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।